हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा अनार का बगीचा और इसमें सेटिंग कैसा हुआ है और कैसा नहीं हुआ इसी के बारे में, और मैंने लास्ट कौन सा स्प्रे किया है वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो मैंने अभी 10 दिन पहले जो स्प्रे किया था वो किया था कैब्रियो का। ये कैब्रियो टॉप है, इसका मैंने स्प्रे किया था और ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। और इसके साथ में हमने मिलाया था जो कीटनाशक था वो स्पिनटोरम। ये ज़रूर थोड़ा महंगा पड़ता है स्पिनटोरम, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और ये हमने कीटनाशक के लिए प्रयोग किया था तो रिजल्ट अच्छा मिला। और इसके साथ हमने ये स्टिकर जो था ना, ये सिलिकॉन का स्टिकर, ये भी डाला था। और कोई भी स्प्रे लो, सिलिकॉन डालना बहुत ही आवश्यक होता है। सिलिकॉन ना हो तो कोई भी जो स्टिकर होता है वो चलेगा, चिपकू, लेकिन डालना ज़रूर है। और आज हमारी ये अनार की फसल को पूरे 70 दिन हो चुके हैं और सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सेटिंग हमारा, ये देखिए एकदम बढ़िया सेटिंग हो गया है। ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया, आप देख सकते हो कि सेटिंग कैसा हुआ है, बहुत ही शानदार सेटिंग है। दोस्तों, अगर अनार के जो गार्डन है, जो बगीचा है, जो कोई 1000 पौधा, 2000, 5000, 6000, 500, 600 जो भी है, लेकिन जो भी पौधा कितना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी केयर कैसे करनी है, इसको सही तरीके से उसको खुराक देना है, सही तरीके से उसकी देखभाल करना। ये देखिए सभी के सारे फल बड़ी ब्रांचेस पे लगे हैं। ये देखिए ये बड़े वाले ब्रांचेस, सब जो फल है ये बड़ी ब्रांचेस पे लगे हैं। तो क्या है कि ये जब फल बड़े होंगे ना तब ये वेट पकड़ेगा, तब ये झुकेगी नहीं और ये अच्छी तरह से इसकी साइज़ भी बढ़ेगी। और अगर टहनी पे यहाँ पर अगर आप देखिए तो कि यहाँ पर कोई फल आ गया तो ये ऐसे टूट के गिर जाएगी या फिर यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे झुक जाएगा। और अगर ये पौधे की बात की जाए तो इससे हद से भी ज़्यादा फल है। तो अभी इसकी थिनिंग करने का है, जितना इसका कैपेसिटी है कि भाई कितना फल रखना है, तो थोड़ा कम, जितना फल पौधे पे कम होगा उतना वेट ज़्यादा पकड़ेगा फल, और पौधे में जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। और अभी हम साइज के लिए जो भी फर्टिलाइज़र हम देंगे, ऊपर से स्प्रे करेंगे या फिर ज़मीन से ड्रिपर के माध्यम से देंगे, वो भी आने वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे। और इसके बारे में अगर अगले जो स्टेज थे उसमें मैंने ये फ्लावरिंग स्टेज और ये जब इथरेल किया इसके बाद का जो स्प्रे था उसको मैंने अगले वीडियो में बताया था। और मैंने क्या क्या दिया है, तो 0-52-34 का स्प्रे किया था 3 बार और 0-61 को हमने एक बार स्प्रे किया था और 10 केजी लेके मैंने डीपर में चलाया था ताकि ये जो फ्लावर है वो लंबे बने, पौधे हुए वो पीले ना पड़े।
तो इसी तरह से हमने चलाया था। और सबसे पहला स्प्रे कॉपर का था, और इसी तरह से फंजीसाइड की बात की जाए तो हर 15 दिन में एक स्प्रे तो होना चाहिए। अभी जो वातावरण क्लाइमेटिक कंडीशन जो अभी है तो शायद नया बगीचे है उसमें तो कोई दिक्कत की बात शायद नहीं है, लेकिन अगर पुराना बगीचा है 5 साल 6 साल 10 साल तो उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट आने की संभावना है। तो आप जल्दी से जल्दी, अगर भाई कोई अभी अंबिया बाहर ले रहा है तो बैक्टीरियासाइड जो होता है उसका स्प्रे आप अवश्य करें ताकि जल्द से कंट्रोल में आ जाए। अगर किसी भाई के गार्डन में अगर है तो बाकी आपने मेरा गार्डन देख लिया है और आप अभी भी देख लो कि सेटिंग कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है। 70 दिन हो गए हैं और अभी भी ये देखिए इस पौधे पे कम फल है थोड़े, तो फ्लावरिंग अभी भी चालू है, सेट हो जाएगा सारा का सारा गार्डन अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और जो कुछ भी करना है वो हमें खुद को करना है, किसी के बताए राह पर हमें नहीं चलना है। हमें खुद को किसान को पता होना चाहिए कि किस स्टेज में हमें कौन सा खाद देना है, कौन सा स्प्रे करना है, ये हम खुद को सीखना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।